सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। और ये हमारे साइंस 2 का चैप्टर नंबर 6 जो है एनिमल क्लासिफिकेशन, इसका पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले मैंने पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी बना के डाल दिया है, उसको देखोगे तो ही ये वाला समझेगा। मैंने कुछ उसमें याद करने के लिए कहा था और आई होप कि आपने वो याद करके आया होगा। अगर नहीं याद करके आए हो तो प्लीज अभी के अभी जाओ और याद कर लो, ठीक है। पहले ही बोल रहा हूँ क्योंकि फिर आगे कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे मैं आपको पूरा 90 अबूझ आने वाले हूँ। जितना कहता हूँ उतना करके आना पड़ता है मेरी क्लास में, तो आपको समझता है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुमको ऐसे फीलिंग बिल्कुल ना हो कि तुमको ट्यूशन जैसा कुछ नहीं मिलता है, यहाँ वैसा ही एहसास होगा बिना पैसे के, ठीक है। इस बात को आपको समझ के रखना है। लेट्स बिगिन। सो गाइज, आप लोग अभी हमारा रेफरल कोड का इस्तेमाल करके अनअकैडमी में बहुत सारे टेस्ट वगैरह, बहुत सारी क्लासेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो और बिना किसी पे किए हुए। और आप लोग इवन अगर पे करके पढ़ना चाहोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप ये वाला कोड इस्तेमाल करते हो अनअकैडमी में किसी भी कोर्सेस में कैसा भी। तो गाइज, मैं आपको पहले बता दूँ कि जो हमारा कोर्सेस है यहाँ पे कैट एग्जामिनेशन के लिए है, जो हमारा मतलब बेसिकली MBA के लिए होता है। आपको पता होगा MBA की ग्रेजुएशन होती है, उसके लिए प्रिपरेशन बच्चे बहुत पहले से करना शुरू कर देते हैं। तो MBA जैसी ग्रेजुएशन को पाने के लिए पहले कैट जैसा एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, और कैट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको मालूम है कि एक टाइप का यहां पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसका नाम है ZAT, यानी ज़ेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका नाम है ज़ेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टाइप का वर्कशॉप यहां पे चालू होने वाला है इस टेस्ट सीरीज के लिए, इस एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। ये दिन का हमारा मतलब जो भी यहाँ पे वर्कशॉप है चालू रहेगा, इसमें आपकी टेस्ट सीरीजेस ली जाएंगी और आपका एनालिसिस, मतलब जैसे कि आज पहला दिन आपका टेस्ट होगा तो दूसरे दिन आपका इसमें होगा एनालिसिस, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये 19 दिसंबर से शुरू होगा तो 26 दिसंबर तक चालू रहेगा, इस बात को आपको समझ के रखना है। तो ये है ZAT का वर्कशॉप, इस बात को आपको जानना है। ज़ेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट इसका नाम है, 27th ऑफ दिसंबर तक बेसिकली चलेगा, पूरे 8 दिन, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक चलता है। आप लोग इसे ज्वाइन कैसे करोगे तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में, अच्छे से पूरा का पूरा देख लो तभी समझेगा, प्ले स्टोर में जाना है। उसके बाद प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को प्लेटफॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसके बाद आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको आना है उसी एप्लीकेशन में, अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में आना है, वहां पर आपको कैट की कैटेगरी को ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद जब आप कैट की कैटेगरी में जाओगे तो वहां से आप लोगों को पांचवा स्टेप होगा आपका टेस्ट सीरीज का ऑप्शन, टेस्ट में जाओगे, वहां से आप लोग क्लिक करोगे अपकमिंग टेस्ट में। अपकमिंग टेस्ट में आप लोग जब क्लिक करोगे तो वहां पे आपको मिलेगा ZAT का फ्री टेस्ट, तो वहां पे क्लिक करके आप लोग को इनरोल कर लेना है। जैसे आप इनरोल करोगे तो बस आप आराम से टेस्ट सीरीज दे पाओगे। तो इस तरीके से आपको लाइन टू लाइन फॉलो करना है सारी चीजों को। जब आपसे कोड मांगेगा ना अगर, तो आपको जो अगर कोड मांगेगा तो ये आपको Prashant_T9 आपको यही सेम कोड डालना है, विदाउट एनी स्पेस एग्जैक्टली यही कोड ऐसा डालोगे तो ही होगा। अगर आप ऐसा कोड नहीं डालोगे तो फिर आपका नहीं होने वाला। तो आप कोड अच्छे से देख लो, Prashant_T9, ठीक है। इसी कोड को आप इस्तेमाल करोगे तो ही जाके आप ज्वाइन कर पाओगे। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग अपने आगे के चैप्टर्स में शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि बेनिफिट्स याद कर लेना, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आता है। और मैंने आपसे कहा था कि नॉन कॉर्डेट्स की चारों लाइन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और कॉर्डेट का ये चारों लाइन याद कर लेना, और व्हाट इज नोटोकॉर्ड ये यहाँ पे लिखा, इसको याद कर लेना, दैट्स इट। और एक बात ये कही थी कि ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है फ्लो चार्ट, इसे याद करना था, बस इतना कहा था मैंने। अब जिसने याद किया होगा उसे आज सब समझेगा, जिसने नहीं याद किया होगा उसे याद कर लो, अभी भी तो टाइम है, ठीक है। देखो तो किंगडम एनिमेलिया, अब जरा यहाँ देखो, किंगडम एनिमेलिया जो है पूरे एनिमल किंगडम एनिमेलिया के अंदर आते हैं। दुनिया का कोई भी एनिमल ऐसा नहीं जो किंगडम एनिमेलिया में ना आए, सारे किंगडम एनिमेलिया में आ जाते हैं। किंगडम एनिमेलिया डिवाइडेड है दो सब ग्रुप में, जैसे एक बड़ा सा ग्रुप और सब ग्रुप। व्हाट इज एनिमल क्लासिफिकेशन, हमने पढ़ा था ना, एनिमल क्लासिफिकेशन क्या होता है कि हमने इसके पहले ही देख लिया था, ऊपर के डेफिनेशंस में आपको फिर से दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, क्या बोला था मैंने, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ एनिमल डिपेंडिंग अपॉन देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है, Among animals is called as animal classification. तो ये हमने पहले भी ऑलरेडी देखा था, जिससे कि आपको सब कुछ समझ के रखना है, क्योंकि ये चीजें यार इंपॉर्टेंट होती हैं। यानी कि जो सिमिलरिटीज है, अब यहाँ पे जरा फोकस करो, जो सिमिलरिटीज है और जो डिफरेंसेस है किसी भी एनिमल में, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे जो ग्रुप्स और सब ग्रुप बनाते हैं हम, यही होता है हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन। अब चलो जरा यहाँ पे हम लोग समझते हैं बेसिक चीजों को, कि एग्जैक्टली होती क्या है वो बेसिक चीजें, ठीक है। लेट्स बिगिन।
अभी हम लोग सीधा आते हैं अपने इस वाले फ्लो चार्ट में, और मैंने जो आपको कहा था याद करने के लिए, आई होप आप उसको याद किए रहोगे, आप फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा एनिमल यहाँ पे किंगडम एनिमेलिया है, इसके दो सब ग्रुप है, पहले का नाम है नॉन कॉर्डेटा, वही जो बोला था मैंने, और एक का नाम है कॉर्डेटा। अब ये सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा क्यों बनाया, इसको समझो जरा अच्छे से पहले। ये सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा इसलिए बनाया है कि जिससे कि इसके अंदर वही एनिमल आएंगे जिनके पास नोटोकॉर्ड अब्सेंट है, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। और जो सब किंगडम कॉर्डेटा है उसके पास वही एनिमल आएंगे जिसके पास पीछे की नोटोकॉर्ड है, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो जो नॉन कॉर्डेटा है उसके पास फाइलम, यानी कि पहले सब डिवीजन, मतलब सब ग्रुप बनाया उसके अंदर डिवीजन है जिसका नाम है फाइलम, ठीक है। तो ये टोटल कितने फाइलम है, टोटल 10 फाइलम है, यानी सभी फाइलम के नाम आपको याद करना पड़ेगा। प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, नाइडेरिया, प्लैटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मॉलिस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये 10 के 10 फाइलम के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी करो। अगर ये चैप्टर याद करना है, इससे से छोड़ के चले जाओ, मत पढ़ो, तुम पढ़ो ही मत, 10वीं क्लास मत लाओ, 90 छोड़ दो, हिम्मत नहीं होगी अगर तुम्हारे अंदर, तो नहीं तो ये 10 फाइलम के नाम याद करने पड़ेंगे। अगर ये चैप्टर पढ़ना है तो ये याद करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए, जितना कहूंगा उतना याद करना पड़ेगा। वैसे भी तुमको बोल ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, फिर भी आप नहीं याद करोगे तो कैसे चलेगा बॉस, तो याद तो करना पड़ेगा, ठीक है, पहले ही बोल रहा हूँ। आगे निकलते हैं, अब यहाँ पे आ जाओ सब किंगडम कॉर्डेट में। तो यहाँ पे फाइलम कॉर्डेटा एक ही फाइलम है, मतलब टोटल कितने फाइलम होते हैं, टोटल 11 फाइलम होते हैं, जिसमें से 10 फाइलम कौन होते हैं, किंगडम मतलब सब किंगडम नॉन कॉर्डेट के, और एक फाइलम किधर का होता है, सब किंगडम कॉर्डेट का, समझा अच्छे से, जिसका नाम है फाइलम कॉर्डेटा। और फाइलम नॉन कॉर्डेट के अंदर 10 फाइलम आते हैं, प्रोटोजोआ, नाइडेरिया, प्लैटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, फिर ऐसे बहुत सारे हैं यार, एकिनोडर्मेटा, एस्केलमिंथस, प्लैटीहेलमिंथस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, पॉरीफेरा, बहुत सारे 10 के 10 हैं, याद करने आपको। फिर फाइलम कॉर्डेटा के अंदर यहाँ पे देखो जरा अच्छे से, डिवीजन है, 3 डिवीजन है, एक का नाम है यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, एंड उसके बाद जो हमारा वर्टिब्रेटा है, बताऊंगा ये क्या होता है आगे चल के, ये वर्टिब्रेटा के पास 6 क्लासेस है, साइक्लोस्टोमेटा, पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमिलिया। जिसने इसे याद कर लिया उसके लिए ये चैप्टर चिंदी, जिसने याद नहीं किया वो पूरा चैप्टर पढ़ने भर रोएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना, चाहे जो भी हो जाए, इतना तो करना पड़ेगा ना, इतनी सी मेहनत नहीं कर सकते, इस फ्लो चार्ट को याद नहीं कर सकते, रट्टा मार रहे हो ना इस फ्लो चार्ट को, सीधा कुछ चीजें रट लेनी होती है, रट लो इसको, आगे समझा दूंगा सब कुछ, याद कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलो, आई होप आपने याद किया होगा कि एक बात याद करो कि जो हमारा नॉन, एक आपको एक तरीका बताता हूँ याद करने का, ट्रिक बताता हूँ, ज्यादा ध्यान देना अच्छे से, याद करने का ट्रिक भी तुम्हें बता देता हूँ तुम्हारे लिए। यहाँ देखो, आप ही बताओ टोटल कितने फाइलम, 11 फाइलम, आपको सिर्फ एक फाइलम का नाम याद करो, सिर्फ एक फाइलम, उसका नाम है फाइलम कॉर्डेटा, और बाकी के फाइलम नॉन कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। तो कभी किसी ने पूछा कि फाइलम नाइडेरिया किधर आता है, तो कह देना नॉन कॉर्डेटा, क्योंकि वो फाइलम कॉर्डेटा थोड़ी है, क्योंकि सिर्फ फाइलम कॉर्डेटा ही सब किंगडम कॉर्डेट के अंदर आता है, बाकी सब नॉन कॉर्डेट के अंदर आते हैं। याद हो गया, टोटल होते हैं 11 फाइलम, 10 इधर के और 1 इधर का, सिर्फ फाइलम कॉर्डेटा ही एक ऐसा फाइलम है जो किंगडम नॉन कॉर्डेट के अंदर, किंगडम कॉर्डेट के अंदर आता है, और बाकी सारे फाइलम जो 10 के 10 हैं वो सब के सब सब किंगडम नॉन कॉर्डेट के अंदर आते हैं, ये बात याद रखना। यानी सिर्फ कितने फाइलम याद करने, एक, कौन सा फाइलम कॉर्डेटा, किसके अंदर आता है, सब किंगडम कॉर्डेट के अंदर, बाकी सब बचे उनको चोर ले गए बाकी जो बचे वो सब किंगडम नॉन कॉर्डेट के अंदर आता है, समझ गया अच्छे से, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर आगे, अब इसको याद करना पड़ेगा क्या, नहीं, अब आगे निकलते हैं, ट्रिक याद हो गई क्या, आगे बढ़ते हैं। वैसे ये ट्रिक नहीं थी, मैंने जो बता दिया वो तुम भी कर सकते थे, थोड़ा दिमाग लगाना, आगे बढ़ते हैं। फाइलम कॉर्डेटा, आगे बढ़ते, फाइलम कॉर्डेटा में कितने टाइप, 3 टाइप, यूरो, सेफेलो, वर्टिब्रेटा, यूरो कॉर्डेटा, सेफेलो कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम्स होती है, पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है उसको वर्टिब्रल कॉलम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके पास 6 क्लासेस, एक साइक्लोस्टोमेटा, पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमिलिया, इनके बारे में हम डीपली आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये 6 क्लासेस आती है, तो क्लासेस 6 किसके अंदर आती है, वर्टिब्रेटा के अंदर। वर्टिब्रेटा किसके अंदर आता है, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। फाइलम कॉर्डेटा किधर आता है, सब किंगडम कॉर्डेट के अंदर, बाकी सब नॉन कॉर्डेट के अंदर, समझ गया क्या अच्छे से, लेट्स बिगिन, हम आगे चलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी था। अब यहाँ पे चलो देखते हैं अच्छे से, दुनिया ने एनिमल्स को क्लासिफाई तो किया भाई, एनिमल्स को हमने क्लासिफाई किया, लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान दो, जो हमारे पास क्राइटेरिया है,
सभी एनिमल को क्लासिफाई करने का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। क्या होता है? अपना अपना क्राइटेरिया। तो जो नया सिस्टम है हमारे क्लासिफाई करने का सारे एनिमल को, उसकी अलग अलग अपनी अपनी अलग अलग क्या है, क्राइटेरिया है। ठीक है, जैसे कि पहला है हमारा ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्राइटेरिया कौन सा है? ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पे आपको दिखाता हूं, दूसरा क्राइटेरिया है बॉडी सिमेट्री, और तीसरा क्राइटेरिया यहाँ पे जरा देख लो जम लेयर्स। तीन क्राइटेरिया आती हैं, और देखना है तो यहाँ पे देख लो बॉडी सियोलम, ये हमारा चौथा है, और पांचवा बॉडी सेगमेंटेशन। तो फाइव क्राइटेरियाज आर देयर फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। फर्स्ट वन कौन सा, जरा ध्यान दो अच्छे से, फिर से बता रहा हूं, बुक खोल के रखो, अपनी किताब खोल लो, आगे देखो। पहला क्राइट, इसको भी याद करना है, जितना कह रहा हूं उसको याद कर लो, आगे के फाइलम याद नहीं करने पड़ेंगे, बात मानो मेरी। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगला क्राइटेरिया हमारा है बॉडी सिमेट्री, बहुत आसान है, समझ के लेना, बताऊंगा अभी। आगे है जम लेयर, और दूसरा है हमारा, चौथा है हमारा बॉडी कैविटी, और उसके बाद आता है बॉडी सेगमेंटेशन। पांच क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, कौन कौन सा? ग्रेड्स ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जम लेयर, और उसके बाद चौथा कौन सा है हमारा, चौथा हमारा बॉडी सेगमेंटेशन, और उसके बाद जो हमारा सबसे लास्ट वाला है यहाँ पे जरा देख लो अच्छे से, बॉडी कैविटी। ठीक है, तो ये पांचों टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से याद रखने हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन, आगे चलते हैं, इन्हें याद रखना। ओके, नाउ तो ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। ये क्या चीज है आखिर, कौन सी बला है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी दे दिया, मतलब कुछ भी। ठीक है, तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या दिया, यहाँ पे समझना अच्छे से। डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स, इनके अंदर जो सेल्स होते हैं ना, वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब कि एक सिंगल सेल से मतलब जो होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करता है, इस बात को आपको समझना है। देखो, मल्टी सेलुलर जो एनिमल होता है, वो बहुत सारे सेल से बनता है। तो हमारा जो लीवर का काम अलग है, हमारे पेट का काम अलग है, हमारे हार्ट का काम अलग है, हमारे आंखों का काम अलग है, ब्रेन का काम अलग है, सबके पास अपने अपने सेल होते हैं, क्योंकि हम मल्टी सेलुलर, हमारे पास बहुत ज्यादा सेल है। तो हमारा बॉडी के अंदर अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं कि अभी हमारा जो हार्ट है, या फिर हमारा सपोज लीवर या स्टोमक है, तो कुछ सब काम वही कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बट तो ये तो बात हो गई मल्टी सेलुलर की, बट जो यूनिसेलुलर होते हैं उनका क्या? तो इन द यूनिसेलुलर एनिमल, एज देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेम सेल। यानी कि उनकी बॉडी जो होती है, वो सिर्फ एक सेल से बनती है, तो उनके अंदर जितना भी सब कुछ काम होगा ना, वो एक ही सेल सब परफॉर्म करेगा। समझ गया अच्छे से? तो ऐसे वाले कंडीशन को हम प्रोटोप्लाज्मिक ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब ये है तो ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन ही, बट कौन सा ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन होता है ऐसी कंडीशन वाले? प्रोटोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्म मतलब ताकतवर एक सिंगल सेल, कैपेसिटी, एक सिंगल सेल की कैपेसिटी, मतलब एक ही सेल इतना काफी होता है कि सब फंक्शन परफॉर्म कर लेता है, इन द यूनिसेलुलर ओनली। हमारे अंदर ऐसा नहीं होता, हमारे अंदर हार्ट का काम सिर्फ हार्ट ही करता है, हार्ट के सेल ही करेंगे, ऐसा नहीं कि हार्ट का काम सोचने का काम भी कर लेगा ब्रेन वाला, ऐसे नहीं होता। आगे निकलते हैं, एक है सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा पॉइंट है ये, दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट खत्म। दूसरा है, इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स इफ टिश्यूज आर नॉट फॉर्म्ड। देखो यहाँ पे देखो, पहली बात समझना, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ओनली सेल होता है। क्या होता है? ओनली सेल, क्या रहते हैं? ओनली सेल, मतलब उनमें टिश्यूज नहीं होते। तो ये हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब आगे निकलते हैं, यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला दिखाता हूँ आप लोग को, अगले वाले में आप देखो, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है? इसमें टिश्यू भी रहते हैं और सेल भी रहते हैं, मतलब दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसमें देखो आपको बताता हूँ, पहले में क्या है, पहला प्रोटोप्लाज्मिक, जिसके अंदर एक सेल सब परफॉर्म करता है। दूसरा कौन सा है? सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर सिर्फ टिश्यू काम करते हैं, सेल नहीं होते। अगला कौन सा है? सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सेल और टिश्यू दोनों होते हैं और फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और अगला वाला कौन सा है? ओनली टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे देखो, ओनली टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सिर्फ टिश्यू काम करता है। समझ गया अच्छे से? तो ये ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी तीन टाइप के अंदर थे, चार टाइप के अंदर। कौन सा? पहला प्रोटोप्लाज्मिक, दूसरा कौन सा? सेलुलर ग्रेड, अगला कौन सा है हमारा यहाँ पे? सेल टिश्यू, और उसके बाद कौन सा? टिश्यू ऑर्गन। समझा? मतलब कि देखो कितना चिंदी है, प्रोटोप्लाज्मिक में एक सेल सब करता है, सेलुलर ग्रेड में सिर्फ टिश्यू करता है, सेल टिश्यू में सेल और टिश्यू दोनों करते हैं, और टिश्यू ऑर्गन में सिर्फ टिश्यू करता है, सेल नहीं होता। समझ गया अच्छे से? इस बात को आपको समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रहेगा हमेशा के लिए। कोई डाउट है क्या आप लोगों के पास? डाउट है क्या? नहीं डाउट है तो इन चीज को प्लीज याद रखना। तो ये हो गया सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि सभी की बॉडी के अंदर का सेल कैसे बनता है, उस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। तो ये हमारा सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया में। अब आगे निकलते हैं, ये सब एनिमल के नाम याद कर लेना, अब आगे निकलते हैं। अब आ जाओ बॉडी सिमेट्री में। अब तुमने बॉडी सिमेट्री, तुमको दिखाता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री।
तो अब यहाँ पे जरा समझना अच्छे, सिमेट्री मतलब होता है कि बराबर बराबर इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना, एक प्रॉपर तरीके से सिमिलर इक्वल इक्वल इक्वालिटी, वही होती है सिमेट्री। ठीक है, इक्वालिटी मतलब सिमेट्री बेसिकली, इतना समझ के रखना है। अब जब बॉडी की सिमेट्री है, सभी इंसानों के अंदर तीन टाइप की होती है। अब जब बॉडी होती है या तो भाई असिमेट्रिकल होगी, या तो रेडियल, और या तो बायलेटरल सिमेट्री, इस बात को समझना है। मतलब सभी में बॉडी की सिमेट्री होती है। अब जिनके अंदर असिमेट्रिकल बॉडी होती है ना, अब यहाँ पे समझना, आपको बताता हूं ना कि अगर आप एक काम करना, आज आप लोग अपने घर में जाना, आईने के सामने खड़े हो जाना, कपड़ा पकड़ के उतार देना, मैं नहीं उतारने वाला हूँ, ठीक है, उतार देना। और उतारने के बाद यहाँ से देखो, मैं शर्ट नहीं खोलने वाला हूँ, यहाँ से ऐसे देखोगे ना, तो यहाँ से ऐसे, और यहाँ से एक लाइन दिखेगी तुमको, यहाँ से एक ऐसे लाइन दिखेगी, एक बार देखना जरा अच्छे से। हाँ, गर्ल्स रहे बॉयज रहे सब देख सकते हो, ठीक है। चलो, मैंने तो अपना देखा है, तुम्हारा पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन होती है, इसी लाइन को हम एक इमेजिनरी लाइन कहते हैं, एक क्या कहते हैं हम इसे, इमेजिनरी एक्सिस भी कह सकते हो, इसी को हम इमेजिनरी लाइन कहते हैं। फिलहाल हमारे अंदर ऐसी लाइन होती है, सबके अंदर ऐसा नहीं होता है। तो हमारे अंदर जो वो लाइन है, हमारी पूरी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करती है, यानी कि एक इधर का पार्ट, एक इधर का पार्ट, हमारी बॉडी में दो पार्ट्स हैं, इसीलिए हम ना बायलैटरल भी कहे जाते हैं। बायलैटरल मतलब होता है दो पार्ट्स में, बाय मतलब दो, लैटरल मतलब साइड, हमारे पास दो साइड है, बीच में से जो डिवाइडेड है, हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है। बट जो असिमेट्रिकल वाले बॉडी वाले होते हैं ना, उनको हम कहते हैं देयर इज नो एनी इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द बॉडी, समझा, जिसको इक्वल दो इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर सको, तो ऐसी कोई बॉडी नहीं होती इनमें। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, अब अमीबा कैसा भी रहता है, अब उसको कौन सा इमेजिनरी एक्सिस लगाओगे, पैरामोसियम या बहुत सारी स्पॉन्जेस होती है, एनिमल ही है ये सब, तो इनमें ये सब असिमेट्रिकल बॉडी वाले होते हैं, इनके पास कोई सिमेट्री नहीं होती, कोई इक्वालिटी नहीं होती है, समझ गए। आगे निकलते रेडियल सिमेट्री, रेडियल मतलब रेडियस, सर्कल में रेडियस होता है, वही वाला रेडियल सिमेट्री, राउंड राउंड। तो इनमें क्या होता है कि एक इमेजिनरी एक्सिस जो है ना, रहता तो है, बट ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इमेजिनरी एक्सिस है लेकिन दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता, पांच पांच चार चार पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब मान लो एक कोई चीज है, तो अब ऐसा नहीं कि सिर्फ मिडल से एक बार डिवाइड मार दो, ऐसा नहीं, बहुत बार डिवाइड करोगे, बहुत बार डिवाइड मार देगा, इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करेगा लेकिन बहुत बार डिवाइड कर देगा, समझा, रेडियली, राउंड राउंड। हमारे जो स्टार फिश होती है ना, स्टार फिश, उसमें ऐसे ही रहता है, देखना आपने स्टार फिश देखा होगा, ऐसे हमारी कुछ तो स्टार फिश होती है, ठीक है, ऐसे कुछ हमारी स्टार फिश रहती है, इस बात को आपको समझ के रखना है, ठीक है, ऐसे कुछ हमारी स्टार फिश होती है। अब इस स्टार फिश में क्या रहता है, यहां से भी एक सिमेट्री है ऐसे, फिर यहां से भी एक है, फिर यहां से भी एक है, इसके मिडल से भी, इधर से भी एक है, तो इस तरीके से हमारा स्टारफिश पांच टाइप में रेडियली डिवाइडेड होता है, सिमेट्री तो है बट पांच टाइप में, राउंड में ऐसे डिवाइड कर रहा है, इसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री, समझ गया। फॉर एग्जांपल स्टारफिश, याद रखना अच्छे से। अब आगे निकलते हैं बायलेटरल, बायलेटरल में क्या होता है, देयर इज ओनली वन सच इमेजिनरी एक्सिस, सिर्फ एक, जिसे हम इंसानों को होती है, या तो ये बकरी को देख लो, गाय भैंस बकरियां होती है ना, उनके बीच उनके पीठ में देखोगे ना, पीछे पीठ में ऊपर ऊपर जहां बैठते हैं लोग, लोग नहीं बैठते गाय भैंस के ऊपर, तो वहां पे जो बीच में रहता है ना, वहां से भी उनके पास भी एक लाइन होती है, उनको भी ऐसे बीच से डिवाइड कर सकती हो, ठीक है। तो उनके पास सिर्फ यहाँ पे सिंगल इमेजिनरी एक्सिस होती है, जिसमें कि ऐसे एनिमल दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो ये एक इस बेसिस पे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जिनके पास बायलेटरल सिमेट्री हो, जिनके पास एक भी सिमेट्री ना हो, जैसे अमीबा वगैरह, जिनके पास रेडियल सिमेट्री हो लाइक स्टार फिश, है ना। तो याद रखना अच्छे से, एग्जाम्पल बहुत जरूरी होता है, ये काम खत्म हो गया। अब आगे निकलते हैं जर्म लेयर की बात करते हैं, What is the meaning of exactly germ layers? अभी germ layers क्या होती हैं? अब आपको बता दूं कि जब हम इंसान, हमने chapter number 3 पढ़ रखा है, हम जो इंसान होते हैं ना, इंसान, हम इंसान क्या करते हैं जानते हो, हम इंसान रिप्रोडक्शन करते हैं, और हमारी बॉडी जब मदर के वॉम्ब में ग्रो कर रही होती है, मतलब यूटेरस में, तो वहां पे germ layer बन रही होती है हमारी बॉडी की। आपको मालूम है germ layer तीन टाइप की होती है, कौन कौन से टाइप की, पहला होता है हमारा एंडोडर्म, ठीक है, फिर होता है हमारा एक्टोडर्म, कौन सा होता है और एक होता है हमारा मीसोडर्म, कौन सी डर्म, मीसोडर्म, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ के रखना है। एक होती है हमारी जो मिडल में रहती है, उसका नाम है मीसोडर्म, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे सभी का मीनिंग समझते हैं। इंडो का मतलब होता है इंटरनल, मीसो का मतलब होता है मिडल, और एक्टो का मतलब होता है एक्सटर्नल, समझ गया अच्छे से, इन बातों को प्लीज याद रखना अच्छे से। यानी कि तीन टाइप के लेयर होती है, मान लो जैसे कि सपोज यहाँ पे लेयर बनी हुई है इस तरीके से, तो अब जरा यहाँ पे आपको समझना है, ये हमारी हो गई मान लो इंडोडर्म, ये वाली हमारी जो यहाँ पे दी हुई है, ये वाली हमारी हो जाएगी ये मीसोडर्म,
तो फिर जो हमारे यहाँ पे मतलब ये वाली लेयर है, ये वाली हमारी हो जाएगी बाहर की मतलब एक्टोडर्म, समझ गया, एक्सटर्नली। तो तीन टाइप की लेयर होती है हमारी स्किन में, तीन टाइप की लेयर होती है, एक इंडोडर्मल, एक मीसो बीच वाली और एक ऊपर की एक्टोडर्मल। इस तरीके से हमारे पास तीन लेयर होती है, इन्हीं को हम कहते हैं जर्म लेयर, जिससे हमारी बॉडी का जर्मिनेशन होता है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे जो बात करूं तो ये लेयर भी दो टाइप की और भी होती हैं, जिनका नाम है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब यहाँ पे मीनिंग समझना, ये जो डर्म मतलब होता है ना, डर्म, डर्म, DERM, डर्म, डर्म मतलब होता है स्किन, ठीक है, लेयर, स्किन कह दो या फिर लेयर कह सकते हो। तो मतलब की इंडोडर्म मतलब अंदर की लेयर, मीसोडर्म मतलब बीच वाली लेयर और एक्टोडर्म मतलब बाहर वाली लेयर। तो ऐसी बहुत सारी लेयर होती हैं, इन बात को आपको समझना है, यही कहलाता है हमारा जर्म लेयर्स। वीडियो रिवाइंड करना फिर देखना, समझ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो तो जर्म लेयर्स हमारे पास होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो दिया भी हुआ है, इंडोडर्म मतलब अंदर का, एक्टोडर्म मतलब बाहर का, और एक मीसोडर्म होता है जो बीच वाला, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस तरीके से हमारी बॉडी में सेल्स की लेयर होती है। अब इसी बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड डिविजन कर रखा है कि कौन सी कैसी लेयर, किसी किसी को इंडोडर्म है, किसी को नहीं है, किसी को मीसोडर्म है, किसी को नहीं है, इस बेसिस पे भी हमारी बॉडी क्लासिफाई होती है, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स में इसी तरीके के सारी सारी क्लासिफिकेशन होती हैं, ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना। तो बस इतना ही था और कुछ नहीं इसमें भी। आप जब फाइलम के बारे में पढ़ोगे तो नाइडेरिया वाले में सब के सब ऐसे ही होते हैं, तो मैं आगे चल के बताऊंगा, डोंट वरी। अब यहाँ पे आ जाओ बॉडी कैविटी में आ जाओ, एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी कैविटी यार, ये बॉडी कैविटी का मतलब क्या है या फिर सियोलम का मतलब क्या होता है। देखो कैविटी हो या सियोलम हो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, दोनों का मीनिंग सिर्फ एक ही है, वो है एम्प्टी स्पेस। क्या होता है दोनों का मीनिंग? एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। तो दोनों का मतलब है, कैविटी बोलो माउथ की कैविटी का नाम सुनोगे, माउथ कैविटी मतलब माउथ में खाली जगह, और सियोलम, सियोलम मतलब भी होता है खाली जगह। अब यहाँ पे दो टाइप की कैविटियां होती हैं, दो टाइप, कितने टाइप की कैविटी? दो टाइप की कैविटी होती है, ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो हमारा मेन पार्ट है, बॉडी कैविटी तीन टाइप की होती है, एक है हमारा यू सिलोमेट, एक हमारा सुडो सिलोमेट, और दूसरा है हमारा, यहाँ पे जरा समझना अच्छे से, दूसरा है हमारा यहाँ पे तीसरा वाला असिलोमेट। अब तीनों के बारे में हम यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं, अच्छे से जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो अच्छे से समझना अच्छे से, यहाँ देखो, सपोज दैट ये हमारा एक कोई भी बॉडी थी, एक इसकी कोई भी ये बॉडी है, ठीक है, ऐसे आपको समझना है। इसको हमने कट किया, इसके सेल को निकाला, तो यू सिलोमेट मतलब क्या, यू सिलोमेट मतलब होता है कि इसके पास थोड़ी सी कैविटी रहेगी। आप यहाँ पे देखो व्हाइट व्हाइट देख सकते हो ना, यहाँ पे देखो ये व्हाइट व्हाइट आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, तो यहाँ पे हल्का हल्का उसके पास व्हाइट व्हाइट है, वो एम्प्टी जगह कहलाती है, वहां पे ज्यादा एम्प्टी जगह नहीं है, कम है, ऐसी कंडीशन को कहते हैं यू सिलोमेट। आगे बढ़ते, अब यहां देखो जरा, यहां देखो, यहां देखो, अब सूडो सिलोमेट की अगर बात करो, सूडो मतलब होता है फॉल्स या एकदम से जीरो, तो यहाँ पे देखो जरा पूरा का पूरा ही खाली है पूरा का पूरा ही खाली हो गया इधर पे, तो ये हमारा पूरा कहलाता है सूडो सिलोमेट। सियोलम मींस एम्प्टी स्पेस, सिलोमेट मींस एम्प्टी स्पेस। आगे बढ़ते असिलोमेट, असिलोमेट मतलब एक भी एम्प्टी स्पेस नहीं चलेगा, तो यहाँ देखो कहीं भी एक भी व्हाइट व्हाइट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मतलब ये असिलोमेट है, मतलब एक भी एम्प्टी स्पेस नहीं है। तो एक कुछ बॉडियों की ऐसी सेल होती है जिसके पास एक भी एम्प्टी स्पेस सेल में नहीं रहता, उसे कहते हैं असिलोमेट, चपटे रहते एकदम चपके रहते ऐसा, वो असिलोमेट है। और जिनकी बॉडी में पूरा एम्प्टी स्पेस रहता है ना, वो सबके सब असिलोमेट है, और जिनकी बॉडी में हल्का फुल्का एम्प्टी स्पेस रहता है वो हमारा यूसिलोमेट है। स्पेलिंग में प्लीज फोकस करना, ये यूसिलोमेट है। ऐसे आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा सुडोसिलोमेट है, और इसके आगे बढ़ते हैं, देखो ये असिलोमेट है, तो असिलोमेट, यूसिलोमेट और सुडोसिलोमेट, तीनों की स्पेलिंग ध्यान रखना। तो बॉडी कैविटी यानी सियोलम तीन टाइप के, कौन से? असिलोमेट, सुडोसिलोमेट और असिलोमेट मतलब यूसिलोमेट, ठीक है। तीनों का नाम याद रखोगे तो फायदे में रहोगे, दैट्स इट। आप यहाँ पे पढ़ के देख लो, यही लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ लो पूरा, यहाँ पे पूरा वही आपको मिलेगा। अब आते हैं बॉडी सेगमेंटेशन में, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का हमारा। अब देखो बॉडी सेग, अब इसके बाद ट्रिक बताऊंगा, बॉडी सेगमेंटेशन में समझो, आपको सेगमेंट का मतलब मालूम है क्या होता है? देखो आपने अर्थवर्म देखा है, अर्थवर्म ऑब्वियसली देखे रहोगे यार, केचुआ, केचुआ क्या बोलते हैं उसको, गांडुल बोलते हैं ना, गांडुल केचुआ ही बोलते हैं ना उसको, अर्थवर्म, अर्थवर्म वही यार। अब देखो यहाँ पे महाराष्ट्र में उसको वही कहते हैं ना, इसलिए मैं उसको कह रहा हूँ, आप लोग हंसना मत मेरे शब्दों में, हमारे मुंबई में उसको वही बोलते हैं। अब देखो कुछ उसकी बॉडी कुछ ऐसे रहती है ना, रुको मैं आपको आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अच्छे से, उसकी बॉडी कैसे रहती है, यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से, उसकी बॉडी कुछ इस तरीके से होती है, आई होप कि आपको मालूम होगा, उसकी बॉडी कुछ इस तरीके से बनी होती है,
कुछ इस तरीके से उसकी बॉडी बनी होती है, मालूम है कि नहीं मालूम है आपको, ऐसे उसकी कुछ बॉडी रहती है, आई होप आपको पता होगा। फिर वो पतला होते जाता है, पीछे साइड से भी खाता है, आगे साइड से भी खाता है, ठीक है। तो ऐसे उसकी बॉडी होती है। तो जो ये एक सिंगल चीज है ना, इसी को हम कहते हैं सेगमेंट, इसी को हम कहते हैं सेगमेंट। तो बॉडी में किसी किसी की सेगमेंटेशन होती है। तो देखो यहाँ पे एनिमल की बॉडी क्या होती है, डिवाइडेड रहती है स्मॉल सिमिलर यूनिट्स में, ऐसी बॉडी को कहते हैं सेगमेंटेड बॉडी। समझा मतलब, देखो छोटे छोटे यूनिट्स में किसी किसी की बॉडी डिवाइडेड रहती है, ऐसे कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, सेगमेंटेड बॉडी कहती है। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म, देखो आ भी गया अर्थवर्म, फिलहाल ये फाइलम एनिलिडा को बिलोंग करते हैं। आप बताओ फाइलम एनिलिडा किसके अंदर आता है, तो फाइलम एनिलिडा हमारा नॉन कॉर्डेट के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ तो भाई कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा ही तो कॉर्डेट के अंदर आता था, बाकी सब नॉन कॉर्डेट। तो कोई भी फाइलम आएगा कॉर्डेटा के अलावा सब नॉन कॉर्डेट में ही जाएगा ना। समझ गए, नहीं समझ गया अच्छे से। चलो अब मैं आपको अब इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, यहाँ पे आ जाओ अपने फिर से स्लो चार्ट में, क्योंकि अब हम फाइलम जाने वाले ना, इसलिए आपको ट्रिक बता देता हूँ पहले। देखो यहाँ पे समझो अच्छे, जरा पहले यहाँ पे आओ। अब जरा आप बताओ, अगर आपसे देखो ये मालूम है आपको फाइलम क्या होता है, आपको पता नहीं होगा फाइलम क्या होता है। फाइलम एक ग्रुप है, फाइलम मंजे का है, फाइलम मंजे जस्ट ग्रुप यार, ग्रुप जिसके अंदर बहुत सारे एनिमल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तुम्हारा स्कूल का क्लास सिक्स, अब क्लास सिक्स में तुम जाओगे इंटर मारोगे तो उसके अंदर बॉयज गर्ल्स बहुत सारे रहेंगे, बहुत सारे बॉयज बहुत सारे गर्ल्स, बहुत सारे पढ़ने वाले का ग्रुप रहेगा, बहुत सारे ना पढ़ने वाले, बहुत सारे टपोरियों का ग्रुप रहेगा, सबका ग्रुप रहता है। वैसे ही ना फाइलम में क्या रहता है, फाइलम में फाइलम एक बड़ा सा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रोटोजोआ की बात करूँ या पॉरीफेरा की बात करूँ, प्रोटोजोआ तुम्हारे सिलेबस में नहीं दिया है, ठीक है। सपोज प्लैटीहेलमिंथस की बात करूँ तो ये फाइलम के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, समझ गया। तो अब आप बताओ जरा ये ग्रुप क्यों बनाया है। अगर मैं प्लैटीहेलमिंथस के बारे में पढ़ लूँ, अगर मैं प्लैटीहेलमिंथस के बारे में पढ़ लूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली सबके बारे में पता चल जाएगा ना, यही बात हमको समझनी है, ठीक है। तो देखो जो प्लैटीहेलमिंथस फाइलम है, अब कैसे इसके बारे में जानोगे, तो अगर तुमने अब प्लैटीहेलमिंथस कौन से सब किंगडम के अंदर आता है, नॉन कॉर्डेट के अंदर। अगर हमने नॉन कॉर्डेट के अंदर जान लिया कि नॉन कॉर्डेट के अंदर जो हमारा हार्ट होता है वो बैक साइड में रहता है, नर्व कॉर्ड आगे रहती है, नोटोकॉर्ड अब्सेंट रहता है, ये तीन पॉइंट फिक्स हो गए, तीन पॉइंट फिक्स हो गए क्या कि इन, अब तुम्हें लिख सकते हो, यू कैन राइट, यही तो कह रहा था मैं, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, फुल आगे दिखाऊंगा भी यही मिलेगा, कोई मार्क्स नहीं काटने वाला। इसलिए आपको कहता हूं बार बार मैं कि आपको क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे देखो जो नॉन कॉर्डेट दिया हुआ है ना, यहाँ पे पहला ये लाइन याद कर लो, फिर उसके बाद ये लाइन याद कर लो और ये लाइन याद कर लो, ठीक है। बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस इतना ही आपको याद करना है, दैट्स इट, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ के रखनी है, मीन्स की नॉन कॉर्डेट कॉर्डेट के सारे लाइन का, बस वो फाइनेंशियल गिल्स स्लिट वाला याद मत करना क्योंकि वो पानी वाले एनिमल में होता है। तो जो एनिमल पानी वाला रहेगा सिर्फ उसी में आपको वो चीजों को समझना है, बाकी और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो पानी वाले एनिमल को सिर्फ फोकस करना और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। चलो अभी आगे निकलते हैं हम लोग, अब हमको यहाँ पे सारी चीजें आगे बढ़नी है और जिससे कि आपको सब कुछ समझ के लेना है। अब देखो उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉर्डेट वाले का भी याद कर लो। अब जरा अब यहाँ पे आओ, अब अगर आपसे किसी भी फाइलम के बारे में बोला, सपोज यार आपसे पूछ लिया एस्केल्मिंथस के बारे में, बोल दिया किसके बारे में, एस्केल्मिंथस के बारे में बताओ, मतलब अगर आपसे बोल दे कि एस्केल्मिंथस के बारे में बताओ, क्या बताओगे, कुछ याद तो है नहीं, तो बस इतना तो याद है ना कि पहली बात देखेगा फाइलम, फाइलम एस्केल्मिंथस कम्स अंडर सब किंगडम नॉन कॉर्डेट, पहला लाइन खत्म, मिल गए फोकट के मार्क्स। दूसरा लाइन, अब नॉन कॉर्डेट में जाओ, वी नो दैट कि इन द नॉन कॉर्डेट द हार्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड, दूसरा पॉइंट खत्म। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि इन द नॉन इन द एस्केल्मिंथस ऑल्सो नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, तीसरा पॉइंट खत्म। अगला पॉइंट, इन द एस्केल्मिंथस देयर इज एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, व्हाई, बिकॉज़ नॉन कॉर्डेट के अंदर तो यही रहता है ना। मिल गए चार पॉइंट, आगे और पॉइंट बताता हूं, ट्रिक ट्रिक, सारे फाइलम का आंसर लिख सकते हो, वैसे सारे फाइलम का आंसर लिख पाओगे, यू कैन राइट यार, यू कैन राइट। चलो अब आगे निकलते हैं, अब आगे निकलते हैं, आगे निकलते हैं। अब ऐसे अगर आपसे पूछ ले कि फाइलम कॉर्डेटा के बारे में बताओ, तो क्या बताओगे, फाइलम कॉर्डेटा में क्या बताओगे कि फाइलम कॉर्डेटा कम्स अंडर सब किंगडम कॉर्डेटा, ये फ्लो चार्ट इसीलिए कहा था, याद कर लो। पहला लाइन खत्म, ये फाइलम कॉर्डेटा के अंदर कोई भी एनिमल आ गया तो कह सकते हो कम्स अंडर किंगडम कॉर्डेटा, एंड इन द कॉर्डेटा देयर इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, चौथा पॉइंट अगला वाला है द नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल डॉर्सल साइड, पीछे साइड। तो इतना तुमको लिखना है, यही हमारा ट्रिक है, समझ गया। ये फ्लो चार्ट याद करोगे, वो चार लाइन याद कर लोगे, सब में ठोक सकते हो आंसर, सब में फुल मार्क्स। अरे बहुत सारे बच्चों ने आउट ऑफ मार्क्स निकाले हैं ऐसा लिख के, तुम एक बार करके तो देखो मेरे भगवान, करके देखो, अभी आपको दिखाऊंगा भी, यही आंसर है।
वैसे पढ़ने जाओगे ना तो एक इंसान की बॉडी के कैरेक्टर 1000 करोड़ होते हैं, तुमको 1000 करोड़ नहीं लिखने होते, 4-5 पॉइंट लिख के आओगे फुल मार्क्स मिलते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 6 पॉइंट लिखना है, 2 मार्क्स का आएगा तो 4 पॉइंट लिखना है, इतना मैं तुमको 6 पॉइंट बता के जाऊंगा सबके। चलो यहाँ पे 4 पॉइंट फिक्स हो गया, 4 पॉइंट फिक्स हो गया। पहला पॉइंट मान लो किसी ने पूछ लिया कि मान लो बताओ डिस्क्राइब फाइलम मोलस्का, तो आप क्या करोगे, पहले लिखनेगा, अब देखो याद करने का कि फाइलम कॉर्डेटा सिर्फ आता है सब किंगडम कॉर्डेट के अंदर, जो बचाओ सब नॉन कॉर्डेट के अंदर, तो लिख देने का फाइलम मोलस्का कम्स अंडर सब किंगडम नॉन कॉर्डेट, खत्म यहीं पे, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, अब नॉन कॉर्डेट के सारे कैरेक्टर लिख डालो कि इन दी मोलस्का देयर इज एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तीसरा पॉइंट, इन दी मोलस्का द हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड। अगला पॉइंट, इन दी मोलस्का द नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, क्योंकि हार्ट पीछे तो नर्व कॉर्ड आगे रहता है ना, बताया था कि नहीं बताया था पहले वाली वीडियो में, यस। तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट, क्लियर क्या, क्लियर हुआ क्या, इस तरीके से तुमको याद करने हैं, समझ गया अच्छे से। तो 4 पॉइंट यही क्लियर, आगे क्या और पॉइंट आगे बताता हूं अगले वाले ट्रिक में, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट और ये जो कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट के जो 4 पॉइंट है इनको आपको याद कर लेना है, दैट्स इट, ठीक है। अब आगे निकलते हैं, अब चलो ये सब टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ो, अब यहाँ पे आ जाओ डायरेक्टली, ये सब जो मैंने बता दिया ना अभी अभी आपने समझ के रखा, इसको आप याद करके रखो, अच्छी बात होगी आपके लिए। बस ये फ्लो चार्ट में आ जाओ, अब ये फ्लो चार्ट में आ जाओ, अब मैं आपको ये फ्लो चार्ट के बारे में समझाता हूँ जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और आपको सब कुछ समझ में भी आएगा, ठीक है। थोड़ा छोटा करता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी, लेट्स बिगिन। अब यहाँ देखो, देखो जरा ध्यान से अच्छे से, अब यहाँ पे समझना अच्छे से। अब देखो, अगर सपोज दैट आपसे किसी ने पूछ लिया, वही फिर यही चीजें वहां, यहाँ भी वही लिखा हुआ है, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ प्लैटीहेल्मिंथस के बारे में, डिस्क्राइब प्लैटीहेल्मिंथस, अगर आपसे किसी ने पूछा कि डिस्क्राइब प्लैटीहेल्मिंथस तो क्या बताओगे आप, क्या डिस्क्राइब करोगे, तो पहला पॉइंट फाइलम है, फाइलम का नाम है प्लैटीहेल्मिंथस, क्या होता है फाइलम होता है ना, चलो तो क्या लिखोगे, आपको याद करना है कि हमारा सिर्फ कॉर्डेट ही फाइलम सब किंगडम कॉर्डेट के अंदर आता था, बाकी जो बचे वो सब नॉन कॉर्डेट के अंदर आते थे, यानी प्लैटीहेल्मिंथस नॉन कॉर्डेट के अंदर आएगा, याद है कि नहीं याद है, याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। तो प्लैटीहेल्मिंथस नॉन कॉर्डेट के अंदर आता है, पहला पॉइंट, द प्लैटी द फाइलम प्लैटीहेल्मिंथस कम्स अंडर द नॉन कॉर्डेट सब किंगडम नॉन कॉर्डेट, पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट, इन द प्लैटीहेल्मिंथस देयर इज एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तीसरा पॉइंट, इन द प्लैटीहेल्मिंथस फाइलम, इन द फाइलम प्लैटीहेल्मिंथस द हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड, पीछे पीछे रहता है। सो अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, हेंस द नर्व कॉर्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, 4 पॉइंट खत्म। अब अगला पॉइंट इस चार्ट से, ये चार्ट भी याद करना है, सिर्फ चार्ट याद कर लो माय डियर, पूरा आंसर याद हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट कंप्लीट एनिमल क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा, कंप्लीट एनिमल क्लासिफिकेशन यहीं पे खत्म, क्योंकि यही तो फाइलम यहाँ के पढ़ना है। अभी देखो आपको दिखाऊंगा ना, पॉलीफेरा नाइडेरिया इन्हीं के बारे में पढ़ना है, अभी हमें ये देखो पॉलीफेरा, ये देखो पॉलीफेरा, फिर हमको देखो यहाँ पे नाइडेरिया, इन्हीं के बारे में आगे पढ़ना है। उनको पढ़ने से पहले सारा आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया, इन सब आंसर को लिख के तो आओ, फिर देखो कितना फायदे में रहोगे, थोड़ा दिमाग लगाने का, रे बाबा तुम लोग दिमाग लगाओगे तभी आगे बढ़ोगे, वरना कैसे दुनिया में आगे बढ़ोगे। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब अगर आपसे पूछ लिया कि प्लैटीहेल्मिंथस के बारे में 4 पॉइंट तुम लिख लिए, 4 पॉइंट तुमने लिख लिया, और पॉइंट कहाँ से लिखोगे, अब देखना कैसे लिखोगे। प्लैटी, अभी हमने क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा ना, उसके पॉइंट उठाएंगे हम लोग। तो द प्लैटीहेल्मिंथस हैविंग द बॉडी कैविटी ऑफ अ सीलोमेट, याद हो गया। अगला पॉइंट, ऑल्सो द ऑल ऑर्गेनिजम्स कम्स अंडर द फाइलम प्लैटीहेल्मिंथस हैविंग अ बायोलेटरल सिमेट्री। सिमेट्री कैसी है, बायोलेटरल। बॉडी कैविटी कैसी है, अ सीलोमेट है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 3 पॉइंट मिल गए, 7 पॉइंट लिख लिया तुम लोगों ने, ट्रिक याद हो गया क्या। चलो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि डिस्क्राइब एस्केल्मिंथस, क्या बोलोगे, फाइलम एस्केल्मिंथस, वो वाला फ्लो चार्ट, फाइलम एस्केल्मिंथस कम्स अंडर द सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा, पहली बात खत्म। इन दिस एस्केल्मिंथस देयर इज एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इन द एस्केल्मिंथस द हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, वेंट्रल मतलब हमारा यस डॉर्सल साइड, द हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड, द नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, 4 पॉइंट खत्म। अगला पॉइंट यहाँ से आप इस चार्ट से उठाओ, ये चार्ट याद करना पड़ेगा आपको, तभी जरा ट्रिक काम करेगा, वरना फिर जाओ भुगतो इतना सारा आंसर याद करते बैठो। इन द एस्केल्मिंथस द बॉडी कैविटी इज सुडोसिलोमेट, स्पेलिंग याद रखना अच्छे से, स्पेलिंग भी नहीं लिख पाओगे तो फिर क्या करोगे, यही सब छोटी छोटी ट्रिक्स है याद करके रखो। एस्केल्मिंथस में सुडोसिलोमेट बॉडी कैविटी, बॉडी सिमेट्री इज द बायलैटरल, एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हो गया 7 पॉइंट। तो ऐसे लिखने का, इन द एस्केल्मिंथस द ऑल ऑर्गेनिजम्स हैविंग अ बॉडी कैविटी ऑफ टाइप सुडोसिलोमेट,
In the Ascalminthes, the all organisms belongs to the body symmetry like bilateral. Bilateral के अंदर आता है ना. और in the Ascalminthes, the body organization is the tissue grade organization या organ system. That's it. खत्म कहानी. तो इतना ही तुम्हें याद करना है. 7 पॉइंट तुमने लिख लिया. यही पॉइंट मैं आगे भी दिखाऊंगा जब तुमको पढ़ाऊंगा. तो ये था हमारा ट्रिक सारा चैप्टर याद करने का. अब तुम्हें अगले वाले पार्ट में पूरा फॉर्मेलिटी दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप पूरे चैप्टर को पढ़ोगे. कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा, बस पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो बस ये था मेन ट्रिक हमारा. अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा. इस वीडियो को शेयर करना सभी लोगों को, अपने फ्रेंड्स में फैला दो, आग की तरह फैला दो, जितना हो सके सभी को भेज दो, सबको इंजॉय करें. ये चैप्टर को कुछ याद नहीं करना है, इसी तरीके से सभी का आंसर लिखना है. अब ऐसे आपसे कोई भी किसी भी पूछ ले, कोई भी फॉइलम कुछ भी पूछ ले आपसे, इसी तरीके से आपको बताना है. समझ गया अच्छे से? इस बात को हमेशा ध्यान रखना. ये इसे पढ़ा जाता है, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क. हार्ड वर्क गधे जैसा काम मत करो. ठीक है, तो मिलेंगे अगले वाले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.